everyone. Welcome to our channel EME Technologies. Subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates. This is the best time to make yourself productive. So feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा वॉइस कंट्रोल्ड ब्लूटूथ रोबोट के बारे में। ये हमारा ब्लूटूथ रोबोट है, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ। इसमें हमने आर्डुइनो यूज़ किया, आर्डुइनो उनो R3। वो इसके इंटरनली नीचे वाली साइड लगा हुआ है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये एडाफ्रूट की मोटर ड्राइवर शील्ड है, L293D मोटर ड्राइवर शील्ड। तो इसकी भी हमें अलग से लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ती है हमारे आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर में, ताकि हम इसे यूज़ कर सके प्रॉपरली। ये शील्ड प्रॉपरली आर्डुइनो उनो के ऊपर ही फिट हो जाती है, सेम साइज़ में। आर्डुइनो उनो के लिए स्पेशली आती है ये शील्ड। तो डुअल एच ब्रिज है ये, जो हमारा L293D है, ताकि हमारी मोटर्स कंट्रोल हो सके, क्योंकि मोटर्स जो हैं हमारी वो नॉर्मली 12 वोल्ट पे काम करती हैं, और जो हमारा आर्डुइनो है वो 5 वोल्ट पे काम करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए हमने L293D डुअल एच ब्रिज क्रिएट किया। तो ये HC05 सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये हमारा कनेक्टेड है RX-TX पिन्स के थ्रू 0 और 1 पिन पे। RX-TX पिन्स हैं ये जो 0 और 1 है, यहाँ पे हमारी RX-TX पिन्स कनेक्टेड है HC05 मॉड्यूल की। और ये वैसे 3.3 लॉजिक पे काम करता है, बट 7805 वोल्टेज रेगुलेटर इसका इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है, हम इसे 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, तो वो हमने दे दी। तो उसके बाद हमने मोटर्स कनेक्ट की। इसमें देख रहे हो आप, हमने जो बैटरी है, एक्सटर्नल पावर सोर्स 9 वोल्ट की बैटरी से हम इसे पावर सोर्स देंगे। और ये हमारी नॉर्मल DC गियर्ड मोटर्स हैं 300 RPM की। ये कॉस्टर है और ये हमारी चैसी जिसके ऊपर सब कुछ माउंटेड है, ओके। तो इसकी प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, वॉइस कंट्रोल एक ऐप होगी, एंड्रॉयड ऐप, जो वॉइस कमांड्स भेजेगी हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल उसे भेजेगा आर्डुइनो को, आर्डुइनो कमांड देगा एडाफ्रूट मोटर ड्राइवर शील्ड को, ताकि हमारी ये मोटर्स कंट्रोल हो सके। तो जैसे ही हम कमांड देंगे वैसा ये चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ये हमने इसको कमांड दे दी, ऑन पावर सप्लाई दे दी। तो सबसे पहले हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा इसे, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसका एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा 1234। तो ये कनेक्ट हो गया होगा। इसके बाद एक आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड मीट्स रोबोट, AMR वॉइस रोबोट। ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से, ओके। तो चलिए इसे एक बार कनेक्ट करते हैं रोबोट को। ये HC05 वाला हमारा रोबोट है, अभी ये ब्लिंक कर रहा है। जैसे अब ये कनेक्ट होगा, कनेक्शन सेटअप होगा, तो देखिए अब ये एवरी 2 सेकंड्स ब्लिंक करेगा, जैसा अभी हो रहा है। तो चलिए हम इसे कमांड देके देखते हैं इसके थ्रू। गो अहेड, गो बैक, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, देखा आपने हम कैसे इसको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कमांड्स देके हमारे रोबोट को कंट्रोल करवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोजेक्ट है। बस जस्ट HC05 को जो कमांड्स लेने के लिए हमने सीरियल कम्युनिकेशन सेटअप किया, वो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, कि कोई भी कनेक्शन लूज़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए।
और एडाफ्रूट की जो शील्ड है उसमें हम चार मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट टू मोटर्स कनेक्ट किया, दो मोटर्स यहाँ पे और दो मोटर्स यहाँ पे, और इवन हम टू सर्वोज भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने जस्ट दो मोटर्स कनेक्ट किए हैं। हमने प्रोग्रामिंग भी उसी हिसाब से किया ताकि हमारी दो मोटर्स कंट्रोल हो सकें। ओके, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक अवर चैनल।